हेलो गाइस, वेलकम टू पीसी निंजा ऑनलाइन वंस अगेन। तो आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे सैमसंग गैलेक्सी A72 की, जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है और इसकी प्राइस ऑलमोस्ट थोड़े से डिस्काउंट रेट पे मुझे मिली है इटली में, करीबन ऑलमोस्ट 500 यूरोस। जब भी अपना फ़ोन बाय करें तो चेक कीजिएगा, बिल्कुल सैमसंग की तरफ से सील्ड है। तो हम इसे अनबॉक्स करते हैं, इसके अंदर हमें क्या कंपोनेंट्स मिलते हैं उसको चेक करते हैं। और मज़े की बात इस वीडियो में ये होने वाली, इसका कैमरा टेस्ट भी इसी वीडियो में करेंगे और प्लस इसके ऊपर पबजी इंस्टॉल करके उसे भी चेक करेंगे कि हमारे पास इसकी पबजी की परफॉर्मेंस, स्क्रीन पे सेंसिटिविटी की क्या सूरत हाल है। तो गाइस, जैसे हमने बॉक्स को अनसील किया है तो बॉक्स को ओपन करते साथ ही हमें मिलता है इसके अंदर वही ट्रेडिशनल सी सैमसंग की सिम जैकेट ओपनर और साथ में कुछ ट्रेडिशनल सी बुक्स। तो ये हमारा फ़ोन है सैमसंग गैलेक्सी S72। इसका कलर आप चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल एक बड़ा फिनिश मैट ब्लू सा कलर है। और कैम्स का सेटअप आप देख सकते हैं, मेरे ख्याल से एक ए सीरीज जो है वो एक मिड रेंज के अंदर आती है और इसमें आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं जो कि आपको नॉर्मल प्राइस यानी कि 500 यूरो मिल जाते हैं। अगर इसके अलावा अगर आप जाते हैं सैमसंग गैलेक्सी एस सीरीज के अंदर या नोट सीरीज के अंदर, वो फ़ोन इसे क्वाइट डबल प्राइस में होते हैं। तो चलें अभी हम देखते हैं कि मज़ीद बॉक्स के अंदर हमें क्या मिलता है। जी गाइस, वही हमें सी टाइप केबल और ये हमारा जो सा है चार्जर है, ये भी सी टाइप है 25 वॉट का, ये हमें इसके अंदर मिला है। और डिक करते हैं, अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा सैमसंग ने इसके अंदर कोई हेडफोन कोई कुछ नहीं डाला है, लेकिन हेडफोन जैक हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। बाकी फ़ोन की फिनिशिंग बहुत अच्छी है। अब इसे थोड़ा सा ओपन करके देखते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं ये हमारे फ़ोन की फर्स्ट लुक है और इसकी जो मैट इसकी बैक जोन सी है वो मैट ब्लू है और बड़ी लाइक नॉन स्लिपी सी इसकी बैग है। आप अगर इसे होल्ड करते हैं तो ये आपके हाथ में स्टे करता है फ़ोन, लाइक ये स्लिपरी नहीं है। सबसे पहले इसके अंदर सिम इंजेक्ट करते हैं, आप ये देख सकते हैं अप साइड पर इन्होंने ये पिन दिया, ये यहाँ पे दो होल्स हैं लेकिन सिम कार्ड का और मेमोरी कार्ड इंसर्ट करने के लिए ये है। इसके अलावा आपको डाउन पे देखें तो ये आपको हेडफोन जैक मिल जाता है, चार्जिंग केबल और आपके स्पीकर्स हैं ताकि इस फ़ोन को रजिस्टर्ड कर सकें। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको दो थिंग्स मिल रही हैं, एक तो सिम कार्ड के लिए प्लस टोन्स है, मेमोरी कार्ड के लिए आपको इसके अंदर ऑप्शन मिलती है। सो गाइस, बिफोर गोइंग एनी फर्दर मैं आपको इसकी थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन के बारे में बताता हूँ। इसका डिस्प्ले 6.7 है, FDH है 1080x2400 PS है। उसके अलावा इसका कैमरा जो है 64 मेगापिक्सल का है, फ्रंट कैमरा 32 का है, CPU ओक्टा का 2.3 GHz में है, रैम इसके अंदर 6 है और इंटरनल मेमोरी जो सी इसकी है वो आपको मिलती है 128 GB। बैटरी जो सी इसकी 5000 mAh है और एंड्रॉयड 11 को ये सपोर्ट करता है। अभी फर्दर हम इसके लिए थोड़ा सा इसकी परफॉर्मेंस टेस्ट करेंगे, इसके ऊपर पबजी इंस्टॉल करके भी खेलेंगे ताकि हमें इसकी स्पीड का भी पता चल जाएगा और इसकी स्क्रीन के बारे में भी हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि सेंसिटिविटी के हिसाब से इसकी स्क्रीन जो सी है वो कैसी है। ऑक्टा का प्रोसेसर जो सा आजकल काफ़ी फ़ोन के अंदर सैमसंग की फ्लैगशिप के साथ आ रहा है, तो उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा रिव्यू लेंगे। अभी हम इसकी थोड़ी सी फ़ोटोज़ की क्वालिटीज़ चेक करेंगे और देन फर्दर मैं आपको बताऊँगा इसकी फ़ोटो क्वालिटी, आपको स्क्रीन पर चेक भी कराऊँगा। चलें देखते हैं इसकी फ़ोटो क्वालिटीज़। सो गाइज, मैंने लिया एक पिक्चर अपने कंप्यूटर टेबल की, पिक्चर की क्वालिटी बड़ी अच्छी थी, जूम करके देखा तो काफ़ी शार्पन भी थी। अभी मैं अपने बालकनी में गया हूँ, वहाँ से पिक्चर ले रहा हूँ 7th फ्लोर से, तो जैसे मुझे उम्मीद थी 64 मेगापिक्सल कैमरे के साथ पिक्चर बहुत ही अच्छी आई, कलरिंग बहुत ज़बरदस्त थी और इसे ग्राफिक में जो है मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, एक क्वालिटी है पिक्चर के अंदर। अगर आपको पिक्चर लेना अच्छी लगती है तो कैमरा बिल्कुल बेस्ट है। हम बात करते हैं वीडियो की, तो वीडियो क्वालिटी जैसे आप देख रहे हैं जूम करने पर, जैसे आप देखते हैं कि वीडियो अपनी क्वालिटी जो सी है वो थोड़ी लूज़ कर जाती है, लेकिन जूम इसका है 30x और बड़ा बेहतरीन जूम है। और वीडियो क्वालिटी के अंदर मैंने फील किया है कि 64 मेगापिक्सल कैम में ये क्वालिटी हमें बहुत अच्छी लगती है, तो कैमरा जो सा है इसका बहुत ज़बरदस्त है अगर आप वीडियो शूट करना चाहते हैं तो। जी गाइस, तो पबजी पे इंस्टॉल है, मैं गेम प्ले कर रहा हूँ, गेस्ट आईडी से हूँ, अभी मैंने सेंसिटिविटी की कोई सेटिंग इसकी चेंज नहीं की है तो मैं भी खेले में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो, तो वैसे भी एक टेस्ट प्ले है इसके ऊपर। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ इसकी पबजी पे परफॉर्मेंस कैसी होगी, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं
जितना स्मूथली आप इस पर खेल सकते हैं पबजी, उतने ही स्मूथली आप इस पर अदर गेम जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी और अदर गेम्स खेल सकेंगे। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल स्मूथ चल रही है पबजी, इसके ऊपर ज़्यादा तो नहीं खेल पाऊंगा ना गेम बहुत लॉन्ग हो जाएगी। एनी हाउ तो ये रहा गाइस सारा सिस्टम इसके ऊपर। मैंने कहा इस नोट 20 भी इस्तेमाल किया है, S9, S10, नोट 10 सब इस्तेमाल किए हैं और मुझे तो वही स्मूथनेस ही इसकी गेम में भी आ रही है, बिल्कुल बेहतरीन है। आप देख सकते हैं जैसे मैं खेल रहा हूँ बेहतरीन चल रही है। ठीक है, आपके कैमरे के बारे में आपको बता दिया और इस पर अपने गेम भी खेल ली और इसका कुछ देर बाद फिर थोड़ा सा इसे यूज़ करके इसका रिव्यू भी अच्छा सा आपको दूंगा। गाइस अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरी नई अपकमिंग वीडियो के लिए। कमेंट कीजिएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक कीजिएगा अगर आपकी वीडियो पसंद आई। स्टे ब्लेस्ड गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। पीसी निंजा ऑनलाइन, पीस।